भारत की पवित्र धरती पर सदियों से कई वीर और वीरांगनाओं ने जन्म लिया और उन्होंने भारत माता की आन मान और शान के लिए खुद के जीवन की आहुति दे दी। ऐसे ही वीर राजा पृथ्वीराज चौहान हुए, जो चौहान वंश में जन्मे आखिरी हिंदू शासक थे। उनके बारे में हम सब ने स्कूल की किताबों से लेकर फिल्मों तक से बहुत कुछ जाना, लेकिन आज हम बात करेंगे बेला और कल्याणी की। कौन थी ये बेला और कल्याणी? बेला पृथ्वीराज चौहान की पुत्री थी और कल्याणी जयचंद की पौत्री। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं, अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के राजा जयचंद आपस में मौसेरे भाई थे। उनके नाना दिल्ली के राजा अनंतपाल ने दिल्ली का राज पृथ्वीराज को सौंप दिया था। इस वजह से जयचंद पृथ्वीराज से ईर्ष्या करता था। इसके अलावा जयचंद की पत्नी की भतीजी संयोगिता, जिसे जयचंद अपनी बेटी की तरह स्नेह करता था, पृथ्वीराज से प्रेम हो जाने और पृथ्वीराज द्वारा संयोगिता का हरण कर ले जाने के कारण यह ईर्ष्या दुश्मनी में बदल गई थी। इन कारणों से जयचंद किसी भी तरह से पृथ्वीराज चौहान को समाप्त करना चाहता था। उन दिनों में अफगान लुटेरा मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की सेना के साथ सभी भारतीय हिंदू राजाओं ने साथ भी दिया था। इस लड़ाई में मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिया गया था। तब वह कुरान की कसम खाकर माफी मांगकर अपनी जान बचाकर वापस गया था। गौरी का एक आदमी मोइनुद्दीन चिश्ती, जो तंत्र मंत्र में माहिर था, वह अजमेर में रहकर संत की तरह एक मंदिर के बाहर बैठकर जासूसी का काम करने लगा। जब उसको पृथ्वीराज और जयचंद की दुश्मनी का पता चला तो उसने जयचंद को समझाया कि अगर तुम गौरी का साथ दो तो तुमको दिल्ली की सत्ता मिल सकती है। जयचंद उसकी बातों में आ गया, क्योंकि तब तक जितने भी इस्लामी हमलावर भारत में आए थे वे केवल लूट मार करके वापस चले गए थे, कोई भी भारत में राज्य करने के लिए नहीं रुका था। गौरी के फिर भारत पर हमले के समय जयचंद ने न केवल गौरी का साथ दिया, बल्कि अपने मित्र राजाओं को भी पृथ्वीराज का साथ देने से रोका। उस लड़ाई में पृथ्वीराज की हार हुई और गौरी पृथ्वीराज को बंदी बनाकर अपने साथ अफगानिस्तान ले गया। जयचंद को लगता था कि उसे अब दिल्ली का राजा बनाया जाएगा। गौरी से जीत का इनाम मांगने पर उसकी यह कहकर गर्दन काट दी गई कि जो अपनों का नहीं हुआ वह हमारा क्या होगा। गौरी ने भारत की सत्ता अपने गुलाम कुतुबुद्दीन और बख्तियार खिलजी को सौंप दी और पृथ्वीराज को बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले गया। साथ में भारत की हजारों महिलाओं को भी ले गया। उन स्त्रियों में पृथ्वीराज की बेटी बेला और जयचंद की पौत्री कल्याणी भी थी। मोहम्मद गौरी ने अपनी जीत के तोहफे के रूप में बेला और कल्याणी को गजनी के सर्वोच्च काजी निजामुल को देने का ऐलान कर दिया। इस घटना पर बने एक नाटक में बोले गए गौरी और निजामुल के संवाद को भी मैं यहाँ कहना चाहूँगी। गौरी ने काजी निजामुल से कहा, काजी साहब, मैं हिंदुस्तान से 70 करोड़ दिरहम मूल्य के सोने के सिक्के, 50,400,000 मन सोना और चांदी, इसके अतिरिक्त मूल्यवान आभूषणों, मोतियों, हीरा पन्ना, जरीदार वस्त्र और ढाके की मलमल की लूट खसोट कर भारत से गजनी की सेवा में लाया हूँ। इस पर गौरी की तारीफ करते हुए काजी ने पूछा, बहुत अच्छा, लेकिन वहाँ के लोगों को कुछ दीन ईमान का पाठ पढ़ाया कि नहीं? तो उसने कहा, बहुत से लोग इस्लाम में दीक्षित हो गए हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार और चिश्ती वही हैं, वह इस्लाम का प्रचार करने में लगे हुए हैं, और वहाँ से लाए गए दासों और दासियों का क्या किया? दासों को गुलाम बनाकर गजनी लाया गया, अब तो गजनी में बंदियों की सार्वजनिक बिक्री की जा रही है। इराक, खुरासान आदि देशों के व्यापारी गजनी से गुलामों को खरीद कर ले जा रहे हैं। एक एक गुलाम दो दो या तीन तीन दिरहम में बिक रहा है। हिंदुस्तान के मंदिरों का क्या किया? मंदिरों को लूट कर 17,000 सोने और चांदी की मूर्तियाँ लाई गई हैं। 2,000 से अधिक कीमती पत्थरों की मूर्तियाँ और शिवलिंग भी लाए गए हैं, और बहुत से पूजा स्थलों को आग से जलाकर जमी दोज कर दिया गया है। वाह, अल्लाह मेहरबान तो गौरी पहलवान। फिर वह मंद मंद मुस्कान के साथ बड़बड़ाए, गोरे और काले, धनी और निर्धन गुलाम बनने के प्रसंग में सभी भारतीय एक हो गए हैं, जो भारत में प्रतिष्ठित समझे जाते थे।
आज वे गजनी में मामूली दुकानदारों के गुलाम बने हुए हैं। फिर थोड़ा रुक कर कहा, लेकिन हमारे लिए कोई खास तोहफा लाए हो या नहीं? लाया हूँ ना काजी साहब। क्या जन्नत की हूरों से भी सुंदर जयचंद की पौत्री और कल्याणी पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला? फिर देर किस बात की है, बस आपके इशारे भर की। और काजी की इजाजत पाते ही शहाबुद्दीन गौरी ने कल्याणी और बेला को काजी के हरम में पहुंचा दिया। कल्याणी और बेला की अद्भुत सुंदरता को देखकर काजी अचंभे में आ गया। उसे लगा कि स्वर्ग से अप्सराएं आ गई हैं। उसने दोनों राजकुमारियों बेला और कल्याणी से इस्लाम कबूलने और उनसे निकाह करने का प्रस्ताव रखा। बेला और कल्याणी भी समझ चुकी थी कि अब बचना असंभव है, इसलिए उन्होंने एक खतरनाक चाल चली। बेला ने काजी से कहा, काजी साहब, आपकी बेग में मन्ना तो हमारी खुशकिस्मती होगी, लेकिन हमारी दो शर्तें हैं। कहो क्या शर्तें हैं तुम्हारी? तुम जैसी हूरों के लिए तो मैं कोई भी शर्त मानने को तैयार हूँ। पहली शर्त तो यह है कि शादी होने तक हमें अपवित्र न किया जाए, और दूसरी शर्त है कि हमारी परंपरा के अनुसार दूल्हा और दुल्हन का जोड़ा हमारी पसंद का और भारत से मंगवाया जाए। इस पर काजी ने खुश होकर कहा, मुझे तुम्हारी दोनों शर्तें मंजूर हैं। फिर बेला और कल्याणी ने कवि चंद के नाम एक रहस्यमय खत लिखकर भारत भूमि से शादी का जोड़ा मंगवा लिया। काजी के साथ उनके निकाह का दिन निश्चित हो गया। रहमत झील के किनारे बनाए गए नए महल में विवाह की तैयारियां शुरू हुई। कवि चंद द्वारा भेजे गए कपड़े पहनकर काजी साहब विवाह मंडप में आए। कल्याणी, बेला और काजी ने भी भारत से आए हुए कपड़े पहन रखे थे। शादी को देखने के लिए बाहर जनता की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। तभी बेला ने काजी साहब से कहा, हमारे होने वाले सरताज, हम कलमा और निकाह पढ़ने से पहले जनता को झरोखे से दर्शन देना चाहती हैं, क्योंकि विवाह से पहले जनता को दर्शन देने की हमारे यहाँ प्रथा है। और फिर गजनी वालों को भी तो पता चले कि आप बुढ़ापे में जन्नत की सबसे सुंदर हूरों से शादी रचा रहे हैं। शादी के बाद तो हमें जीवन भर बुरका पहनना ही है, तब हमारी सुंदरता का होना ना होने के बराबर ही होगा। नकाब में छिपी हुई सुंदरता भला तब किस काम की? हाँ हाँ, क्यों नहीं, काजी ने उत्तर दिया और कल्याणी और बेला के साथ राजमहल के कंगूरे पर गया। लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते ही काजी साहब के दाहिने कंधे से आग की लपटें निकलने लगी, क्योंकि कवि चंद ने बेला और कल्याणी का रहस्यमय पत्र समझकर बड़े तीक्ष्ण विष में सने हुए कपड़े भेजे थे। काजी साहब विष की ज्वाला से पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा। तब बेला ने उससे कहा, तुमने ही गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए उकसाया था ना? हमने तुझे मारने का षड्यंत्र रचकर अपने देश को लूटने का बदला ले लिया है। हम हिंदू कुमारियां हैं, समझे? किसी में इतना साहस जो जीते जी हमारे शरीर को हाथ भी लगा दे। कल्याणी ने कहा, नालायक, बहुत मजहबी बनते हो, अपने धर्म को शांति प्रिय धर्म बताते हो और करते क्या हो? जिहाद का ढोल पीटने के नाम पर लोगों को लूटते हो और शांति से रहने वाले लोगों पर जुल्म ढाते हो। थू, धिक्कार है तुम पर। इतना कहकर दोनों राजकुमारियों ने महल की छत के किनारे खड़ी होकर एक दूसरे की छाती में विष बुझी कटार जोर से भोंक दी और उनके प्राणहीन देह उस ऊंची छत से नीचे लुढ़क गए। पागलों की तरह इधर उधर भागता हुआ काजी भी तड़प तड़प कर मर गया। भारत की इन दोनों बहादुर बेटियों ने विदेशी धरती पर पराधीन रहते हुए भी बलिदान की जिस गाथा का निर्माण किया वह सराहनीय योग्य है। आज सारा भारत इन बेटियों के बलिदान को श्रद्धा के साथ याद करता है। यह कहानी स्कूली इतिहास की किताबों में नहीं मिलती, लेकिन यह बहुत मशहूर लोक कथा है जिस पर मेलों में अक्सर नाटक खेला जाता है। जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, और ऐसी ही जानकारियों और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी अन्य कहानी या जानकारी के साथ। तब तक खुश रहें, खुशियाँ मनाएं, अपनों का साथ और प्यार आपको हमेशा मिलता रहे।